हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। आगामी 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ जिला पुलिस द्वारा बुराड़ी के अथॉरिटी पर किया गया मॉक ड्रिल। एडिशनल डीसीपी डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि मंगलवार की दोपहर 12:42 पर बुराड़ी थाने को एक कॉल प्राप्त हुई थी कि बुराड़ी के अथॉरिटी पर दो आतंकवादी हथियार लेके घुस गए और कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस टीम, पुलिस के बड़े अधिकारी, एम्बुलेंस, बॉम्ब स्क्वाड टीम, कमांडो टीम, तमाम एजेंसियां पहुंची मौके पर और एक घंटे के अभ्यास में दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जो इसमें घायल हुए थे उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जनता को बताया कि ये एक मॉक ड्रिल था, जो कि पुलिस में कोई खमियां ना हो जाए इसीलिए उन्होंने एक अभ्यास किया था और आने वाली 26 जनवरी है उसको भी देखकर एक ये मॉक ड्रिल किया था और पुलिस में जो खमियां हैं वो खमियां पूरी तरह से ठीक हो सके। वही एडिशनल डीसीपी ने बताया कि ऐसे अभ्यास लगातार चलते रहते हैं क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है और कहीं अनहोनी ना हो जाए इसीलिए पुलिस की पूरी तैयारी के लिए एक ये मॉक ड्रिल किया गया। इसमें आतंकवादी हमला दिखाया गया और जनता को भी जागरूक किया, अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें जिससे कि अनहोनी से बचा जा सके।